वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माघे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पापस्त्र दिवं प्रयान्ति प्रीतिये वासुदेवस्य सर्व पापानुतये माघ स्नानं प्रकुवीर्त स्वर्ग लाभाय मानवः। माघमासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्यं रुद्रणा। माघ मास में स्नान करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, शरीर निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने से मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तीर्थों में स्नान करने से पापों का क्षय होता है। माघ मास में प्रयाग, संगम, तीर्थ तथा गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मात्र 3 दिन स्नान कर लेने मात्र से ही मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मनुष्य की अपनी मन वांछित इच्छा अगर पूरी करवानी है तो उन्हें माघ मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए। कहते हैं कि अगर माघ मास में पवित्र तीर्थों के दर्शन भी अगर मनुष्य कर लेता है तो भी उसकी सभी मन वांछित इच्छाएं पूरी होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान हरि को व्रत, दान, जप, तप से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करने से उन्हें प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माघ मास में 3 दिन स्नान कर लेने से ही संपूर्ण माघ मास का फल प्राप्त हो जाता है। माघ मास में कौन सी ऐसी 3 तिथियां हैं जिनमें स्नान कर लेने से मनुष्य को पूरे माघ मास का फल प्राप्त होता है? तो वो है मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। ये 4 तिथियां ऐसी हैं, अगर इन तिथियों में पवित्र नदियों में जाकर मनुष्य स्नान कर लेता है तो उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और मरने पर स्वर्ग मिलता है। माघ मास में स्नान करने का सबसे उचित समय कौन सा होता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूर्य उदय से पूर्व किया गया स्नान सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। नारद पुराण के अनुसार जो मनुष्य माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह के 4 बजे तक स्नान कर लेता है तो उसका महापातक जैसा पाप अर्थात बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है। उसे अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। कहते हैं सूर्य उदय के पश्चात किया गया स्नान आध्यात्मिक दृष्टि से कम लाभकारी होता है। माघ मास में सूर्य को अर्घ्य देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? माघ मास में सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। सूर्य नारायण भगवान उसे धन, दौलत, तरक्की, उन्नति देते हैं और उसके शत्रुओं का नाश करते हैं। तो वो मंत्र है भास्कराय विधिहे महद युति कराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात। अर्थात तेज के भंडार सूर्य को हम जानते हैं, अत्यंत तेजस्वी और सभी को प्रकाशमान करने वाले सूर्य का हम ध्यान करते हैं। वह आदित्य हमारी बुद्धि को सत प्रेरणा दे। माघ मास में इस तरह सूर्य नारायण को अर्घ्य देते समय मंत्र बोलना चाहिए। जो मनुष्य पूरे माघ मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता है तो उसकी सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। माघ मास में कल्पवास का क्या महत्व है? कल्पवास किसे कहते हैं? कल्प अर्थात वेदा अध्ययन, मंत्र पाठ, यज्ञ आदि कर्म ही कल्पवास कहलाता है। पुराण के अनुसार माघ मास में संगम के तट पर धार्मिक कर्म करना ही कल्पवास कहलाता है। जो मनुष्य माघ मास में कल्पवास करता है उसे मरने पर सदगति प्राप्त होती है।
कल्पवास में प्रतिदिन प्रातः स्नान, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, यज्ञ, हवन, दान और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना शामिल है। कल्पवास में पूरा समय कथा, प्रवचन, भजन सुनना चाहिए, माघ मास की कहानियाँ और महात्म्य सुनना चाहिए, भौतिक सुखों से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इसी पूरी प्रक्रिया को कल्पवास कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माघ मास सबसे महत्वपूर्ण मास कहा गया है। जिस तरह कार्तिक बैसाख मार्गशीर्ष मास है, उसी तरह से माघ मास उससे कहीं भी कम नहीं है। माघ मास में भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने की हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका जीवन सफल हो, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, उसका घर धन धान्य सुख समृद्धि से भरा रहे। आज मैं आपको माघ मास का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। गुरु वशिष्ठ बोले कि हे राजेंद्र, अब तुम माघ मास के महात्म्य को सुनो जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सहस पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म आपसे सुने, अब कृपा करके आप मुझे माघ मास के स्नान का फल बताइए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर तुम सुनो, जैसे कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वह सब माघ स्नान का फल आज मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। देश, तीर्थ, विधि तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते हैं, उनका जन्म लेना निष्फल होता है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश और चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देता है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता है। व्रत, दान और तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में स्नान करने से खुश होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं, उसी तरह माघ मास के बराबर दूसरा कोई मास नहीं है। उसी तरह माघ मास में स्नान के बराबर दूसरा कोई यज्ञ, धर्म, कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ मास में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट, बलवान, अनित्य, अशुद्ध शरीर माघ मास के बिना रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खंभा है, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मंडा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मल मूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक, विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य सब दोषों का आश्रय देने वाला है। दूसरे के ताप से दुखी, दूसरों के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशून, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पुर, दुर्धर, दुष्ट इन तीनों दोषों से परिपूर्ण है। अपवित्र वस्तु को निकालने वाला, छिद्र युक्त, इन तीनों तापों से ग्रसित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक द्वार से व्याप्त कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण है। जो अंत समय में भस्म होकर मात्र कुत्तों के काम आने वाला है, जल में बुलबुले की तरह, जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना अगर रह जाए तो वह मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित स्थान, आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धर्म का नाश होता है
और क्रोध करने से तप का नाश होता है। दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश, प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट होता है। बिना साक्षी के भुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने ही लिए भोजन की क्रिया में लगे रहना और शूद्र की भिक्षा से जो यज्ञ किया जाए वह बेकार है, तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास के विद्या, विरोध करने वाला राजा, असत्यवाणी, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, क्षोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सभी पारलौकिक क्रियाएं भी व्यर्थ है। हे राजन, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्य उदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य बिना पाप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो वह व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नी गामी और इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ समय पहले अगर स्नान कर ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उपपातक और महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि इस मनुष्य ने तो अगर माघ स्नान कर लिया तो हम तो नष्ट हो ही जाएंगे। जैसे माघों से मुक्ति पाकर आकाश में चंद्रमा चमकता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी माघ मास में स्नान करके चंद्रमा की भांति प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन, कर्म से किए हुए छोटे बड़े, नए पुराने सभी पाप, आलस्य से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में कोई पाप किए जाते हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समीधा की तरह जल कर नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग को पाते हैं, तथा पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे राजन, जिस प्रकार विष्णु भगवान की भक्ति करने का अधिकार सभी को है, ठीक उसी तरह माघ मास में माघ स्नान करने का अधिकार भी सभी को है। यही सबसे बड़ा मंत्र है और यही तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पूर्व जनों के अभ्यास से ही मनुष्य को माघ स्नान करने की बुद्धि आती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, यह पवित्रों को पवित्र करने वाला महान तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाला माघ स्नान को नहीं करता है, वह चंद्र और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकता है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी और महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।